Hi guys, do subscribe and press the bell icon to never miss any updates of new videos from Swati Life and Style. Hi everyone, welcome back to my channel. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मेकअप ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स को कैसे डीप क्लीन करती हूँ. As we all know, मेकअप टूल्स को क्लीन करना कितने इम्पॉर्टेंट होता है. ये अगर 100% क्लीन ना हो तो हमारे स्किन पे पिंपल्स या एलर्जीज को हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि इनमें मेकअप के साथ साथ सेबम, डर्ट ये सब भी एक्यूमुलेट होते रहते हैं. इसलिए मेकअप ब्रशेस को सिर्फ स्टेन फ्री ही नहीं, उन्हें 100% जर्म्स फ्री करना भी ज़रूरी होता है. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स बिगिन. ओके, तो पहले मैं मेकअप ब्रशेस को क्लीन कर लेती हूँ. मेरे पास जो ब्रशेस हैं वो सभी सिंथेटिक फाइबर से बने हैं. जनरली आजकल मैक्सिमम ब्रशेस के ब्रिसल्स सिंथेटिक फाइबर के होते हैं, एंड दैट्स वाई वी कैन सेफली यूज़ इजी लिक्विड डिटर्जेंट. मैं ज़्यादातर लॉन्ग लास्टिंग वाटर प्रूफ मेकअप यूज़ करती हूँ, और वो सब मेकअप शैम्पू से नहीं जाने वाले. इजी मेकअप ब्रशेस को नाइसली क्लीन भी करता है और साथ ही साथ उन्हें कंडीशन भी करता है. इसके बाद हमें चाहिए ऐसा एक मेकअप ब्रश क्लीनर. अब मैं एक एक करके ब्रश लूँगी, डिटर्जेंट में डिप करूँगी और यहाँ ऐसे रब करूँगी. देखिए कितनी जल्दी ये क्लीन हो गया, सारे वाटरप्रूफ मेकअप एवरीथिंग निकल गए. अभी के लिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ और दूसरे ब्रशेस को क्लीन कर लेती हूँ. और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ब्रशेस को हमें यहाँ ज़्यादा हर्शली रब नहीं करना है. जो ब्रश जिस डायरेक्शन में मूव होता है उसे उसी डायरेक्शन में रब कीजिए. ओके, तो अब मैं सारे ब्रशेस क्लीन वाटर में डिप करके धो लूँगी और ऐसे प्रेस कर करके पानी निकाल लूँगी. अब हमें इन्हें डिसइंफेक्टेड करना है. इसके लिए मैं ये वाला डेटॉल लिक्विड ले रही हूँ, आप नॉर्मल डेटॉल भी ले सकते हैं. अब इतने से पानी में मैं एक ढक्कन डेटॉल डाल रही हूँ. अब इसमें मैं अपने मेकअप ब्रशेस को डिप करूँगी ऐसे. ओके, तो अब इन ब्रशेस को सुखा लीजिए एंड मेक श्योर इस होल प्रोसेस में ब्रिसल्स कभी ऐसे ऊपर की तरफ ना जाए. ऐसा करने से पानी अंदर चला जाएगा और यहाँ जो ग्लू होता है वो डैमेज हो जाएगा. ब्रशेस को ड्राई करने के लिए मैं ऐसे एक टॉवल पे रख के पहले इन्हें पैट ड्राई कर लेती हूँ, फिर टॉवल पे इन्हें ड्राई होने के लिए रख देती हूँ. ओके, तो अब ब्यूटी ब्लेंडर को भी क्लीन कर लेते हैं. मैं एक बोल में गर्म पानी लेके उसमें इजी ऐड कर रही हूँ, और इसी पानी में मैं एक ढक्कन डेटॉल भी ऐड कर दूंगी. अब इसमें मैं ब्यूटी ब्लेंडर को 30 मिनट्स के लिए भिगो के रखूंगी. देखिए ये कितनी आसानी से क्लीन हो गया, और फिर मैं इसे साफ पानी में धो लूंगी. आप इन्हें रनिंग वाटर में धो लीजिएगा, मैं अभी इसको धो के लाती हूँ क्योंकि बोल में ऐसे धोना पॉसिबल नहीं है. ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है, और डेटॉल भी डाला था तो ये डिसइंफेक्टेड भी हो गया. अब सिर्फ इन्हें ड्राई कर लेना है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना. Thank you so much for watching, and I will see you all soon in my next video. Till then, bye.